नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। 70 वार्डों में यह अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। अगले दो दिन के अंदर वो कोरोना टीकाकरण पर बड़ा ऐलान। जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन। अब पोलिंग बूथ पर लगेगी वैक्सीन। 70 वार्डों में चलेगा अभियान। दिल्ली सरकार ने कोरोना टीकाकरण पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली में पोलिंग स्टेशन पर ही वैक्सीनेशन होगा। 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए जहां वोट डाला वहीं वैक्सीन लगेगी। फिर हम ये देखेंगे। सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर कम लोग आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार ने लोगों के घर घर जाने का निर्णय लिया है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो आप वहीं पे जाइए, आपके वैक्सीनेशन का वहां पे हमने इंतजाम किया हुआ है। इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी वार्डों के पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को सेंटर तक लाने के लिए बड़ी संख्या में ई रिक्शे का इंतजाम किया गया है। सीएम ने कहा है कि 70 वार्डों में अभियान के तहत बीएलओ की टीम घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन का स्टॉल देगी और जो वैक्सीन लगवाने से इनकार करेंगे उन्हें इसके लिए समझाया जाएगा। दिल्ली के 70 वार्ड्स के अंदर ये शुरू किया जाएगा। उन 70 वार्ड्स के बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स अगले दो दिन तक हर घर में जाके पूछेंगे, आपके घर में 45 साल से ऊपर के कौन है, क्या उनको वैक्सीन लग चुका है। अगर उन्हें वैक्सीन नहीं लगाए तो वो उन्हें वैक्सीनेशन लगवाने का स्लॉट दे के आएंगे कि आप पोलिंग स्टेशन पे इतने बजे आके अपना वैक्सीन लगवा लीजिएगा। जो जो लोग आना चाहेंगे हमने खूब सारी ई रिक्शा का इंतजाम किया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए जब वैक्सीन मिल जाएगी तब हम इसी तरह से दो बार अभियान चलाकर उन्हें भी वैक्सीन देंगे। सीएम ने अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं, यही एक तरीका है जिससे हम अपनी दिल्ली को कोरोना से बचा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए सीएम केजरीवाल का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यहां लोगों को गाड़ी में ही वैक्सीन दी जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों की मदद से यह ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई, साथ ही लोगों ने दिल्ली सरकार का धन्यवाद भी किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के पास में ये शुरू किया गया है ड्राइव इन, और यहाँ पर मैक्स पटपड़गंज के सहयोग से जो भी लोग आसपास के क्षेत्रों में हैं वो लोग ड्राइव करके यहाँ आ सकें और उनको बिना किसी टच के, कहीं बिना किसी फिजिकल टच के, इधर उधर कहीं कुर्सी पे बिठाए बिना या कहीं उसके बिना सेफली वैक्सीन लगाया जा सके, उसकी व्यवस्था है। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि जितना ज्यादा इस सुविधा का फायदा उठा सके उतना उठाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने में ही अब सबकी। उधर दिल्ली में घर घर राशन योजना पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं। इस योजना के तहत बड़े घोटाले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसको रोक दिया गया। बिचौलियों को बढ़ाना चाहते हैं, बिचौलियों के साथ हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो गरीबों को राशन दिया, आप देखिए जो फ्री राशन मोदी जी ने दिया है 2 महीने का,
उसमें 72,000 टन राशन उनको मिला है, जिसमें सिर्फ 52,000 टन उन्होंने उठाया है, लिफ्ट किया है, और सिर्फ उसमें 68% बांटा है। इसका अर्थ है पहले आपने 70% उठाया और उसमें 68% बांटा है। ना जिसमें 5 लाख रुपए का एक व्यक्ति को, गरीब को, झुग्गी वालों को, दिल्ली के गरीबों को इसका फायदा मिलता है, आप वो भी नहीं देने की नियत रखते हैं तो बाकी आपकी नियत पे हम कैसे विश्वास करें। देखिए अरविंद केजरीवाल जी झूठ के सौदागर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनकी पूरी नियत में झूठ और लूट दिखती है। वहीं त्रिलोकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घर घर राशन योजना को लागू करने की अपील की है। विधायक रोहित कुमार ने कहा कि घर घर राशन योजना से न केवल जरूरतमंदों के घर तक राशन पहुंचेगा बल्कि राशन की दुकानों पर लगने वाली भीड़ से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भीड़ वाली जगहों पर संक्रमण का खतरा बना हुआ है, ऐसे में राशन लेने के दौरान लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। अगर राशन लोगों के घरों तक पहुंचेगा तो लोग इन खतरों से बचे रहेंगे, साथ ही लोगों को सुविधा भी होगी। दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। अगर ये योजना लागू हो जाती तो गरीब लोगों को घर बैठे उनका राशन मिल पाता, और ख़ास तौर से इस कोरोना काल के अंदर जहां लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं राशन की दुकानों पे, भीड़ भाड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, उनसे बचा जा सकता था, संक्रमण को भी फैलने से रोका जा सकता था। लेकिन ना जाने क्यों किस द्वेष भावना के चलते केंद्र सरकार ने इस योजना को रोक दिया है। वहीं केंद्र ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर पानी फेर दिया है। इस पर दिल्ली कैंट के आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र कादियान ने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से दिल्ली की जनता के हित में होने वाले हर काम में अड़ंगा डालती है। केजरीवाल के काम से मोदी सरकार डर गई है, जब बर्गर पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं हो सकती। केंद्र सरकार हर एक ऐसे कार्य जो जनता के हित के कार्य हैं उनमें हर एक में केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, चाहे वो महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो, मेट्रो में फ्री यात्रा का प्रावधान हो, या फिर गरीबों को और दिल्ली के जो लोग हैं उनको बिजली मुफ्त करने का कार्य हो। जस्ट एक हफ्ते पहले इन्होंने इस एक गरीब आदमी के हित की पॉलिसी है और जो कार्यक्रम इसको रोकने के लिए गंदी राजनीति के तहत और अपनी नेगेटिव सोच के तहत इसको रोकने का प्रयास किया है। वहीं दिल्ली के भलसुआ में गंदगी से भरे पार्क को गोरिया ग्रीन पार्क बना दिया गया है। पार्क को सुधारने में गांव के लोगों और RWA का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 4 साल से इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। आज इस पार्क के अंदर घास और हरे भरे पेड़ पौधे, ओपन जिम और एक झील भी है। इस पार्क के बनने के बाद आसपास के लोग काफी खुश हैं। स्थानीय लोग और RWA का कहना है कि अगर DDA उनका साथ दे तो इस पार्क को और ज्यादा सुंदर और हरा भरा बनाया जा सकता है। गांव के लोग और RWA ने कई बार DDA को इसकी जानकारी दी लेकिन DDA की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। भलसुआ गांव के पास 22 एकड़ में फैले इस पार्क के हालात बदहाल थे लेकिन गांव वालों ने इसकी तस्वीर बदल दी। हम जी 2016 से लगे हुए जी, जिससे कि आप हमारे अगर वीडियो देखोगे, अगर इसकी पुरानी हालत देखोगे तो आप ये कहोगे कि पार्क यही है या दूसरा कोई और है। और सबसे बड़ी बात फुटपाथ की भी आ गई, फुटपाथ बिल्कुल बेकार है। और एक हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम इतनी है, जैसे हम बुजुर्ग आदमी हैं, अगर हमें बाथरूम आएगा तो कहाँ जाएंगे। सोचा कि यार ये खाली लैंड पड़ी है जो इस पर हम क्यों ना एक पार्क बना दें, तो हमने 2016 में यहाँ शुरुआत करी और उसके बाद हमने यहाँ पेड़ पौधे लगाए खुद अपने पैसों से, तार भी हम लेके आए, खम्भे भी हम लेके आए और हमने पेड़ पौधा रोपण अपने साथियों के साथ यहाँ करा। उसके बाद हमने DDA को लेटर कार्रवाई करी। इसमें कमियाँ अभी बहुत हैं, हॉर्टिकल्चर वालों ने इसमें थोड़ा काम किया है, हमारे प्रेशर पे हमने जो लिखत पढ़त करी है, लेकिन सिविल वालों का असली काम है इसमें, सिविल वालों का और इलेक्ट्रिक वालों का। तो करीब 1.5 महीने के बाद दिल्ली अनलॉक हो गई है। कई दिनों से बंद दुकानें खुल गई हैं, मेट्रो ने फिर से रफ्तार भरी है, कई ऑफिसों में काम हुआ। हालांकि दिल्ली में अनलॉक के लिए नियम तय किए गए हैं लेकिन पहले दिन कुछ लापरवाहियां भी देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए।
अनलॉक हुई दिल्ली। बाजारों दुकानों में लौटी रोशनी। मेट्रो ने भरी रफ्तार। कहीं लापरवाही तो कहीं नियमों का पालन। राजधानी दिल्ली अनलॉक हो गई है। बाजारों में फिर से रोशनी लौट आई है। दुकानें फिर से खुल गई हैं। मेट्रो ने फिर रफ्तार भरी। कई ऑफिसों में लोग लौटे। करीब 1.5 महीने बाद इन दुकानों के शटर खोले गए। कई दिनों से उम्मीद लगाकर बैठे दुकानदारों का इंतजार आज खत्म हो गया। दुकानदारों ने नियमों के साथ दुकानों को खोला। दिल्ली के कई क्षेत्रों में ऑड इवन नियमों के तहत दुकानों को खोला गया। दिल्ली की बुराड़ी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दुकानों के खुलने पर दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। लॉकडाउन से दुकान खुलने से एक बेनिफिट ये होगा हम लोगों को कि हमारे स्टाफ को और हमें दिनचर्या का जो भी खर्चा होता है, जो भी रूटीन है हमारा, तो उससे वो चलेगा। एक तो हम सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, साथ में सभी कस्टमरों को ये सलाह देंगे कि सोशल डिस्टेंस पे खड़े हो और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। इसी तरह मरौली में भी दुकानें खोली गईं, लेकिन यहाँ लापरवाही भी देखने को मिली। यहाँ लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख कर खरीदारी की। दिल्ली सरकार ने जो है बाजारों में ऑड और इवन का फार्मूला जो है लागू कर दिया है और आज से जो है वो फार्मूला लागू हो चुका है। अभी फिलहाल जो है हम मैरोली बाजार में थे। मैरोली बाजार में हमने देखा कि यहाँ पे जो है आज सारी दुकानें ऑड की खुली हुई हैं। दुकानों बाजारों के साथ साथ दिल्ली के कई मॉल्स भी खोले गए। हालांकि यहाँ बहुत ही कम लोग आए। दिल्ली का DLF मॉल सुनसान नजर आया, लेकिन यहाँ दुकानें खुली देखी गई। वहीं दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नेहरू मार्केट को भी खोला गया। यहां कई लोग लैपटॉप खरीदने आए तो कई दुकानदारों ने ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोली। अनलॉक के पहले दिन दुकानों बाजारों और मॉल में दुकानदार कुछ निराश दिखे तो कुछ दुकानदार इस उम्मीद में खुश नजर आए कि आगे हालात ठीक हो जाएंगे। जनतंत्र टीवी के लिए दीप सिलोड़ी, हरी किशोर साह और शहनवाज खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।